ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव सभी ग्रहों के स्वामी हैं। सूर्य देव के निमित्त उनके बीज मंत्र, वैदिक मंत्र और आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ करने से शरीर में उत्पन्न सभी रोग खत्म हो जाते हैं। और जिन जातकों की राशि में सूर्य देव नीच स्थान में विराजमान है, उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को अपनी राशि में मजबूत करने के लिए और क्या कुछ करना चाहिए, इसकी जानकारी देते हुए पंडित श्रीधर शास्त्री ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। अपनी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें सूर्य की उपासना के साथ वैदिक मंत्र का भी उच्चारण करना चाहिए। जैसा कि मैं बोलता हूँ, ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशन्यमृतमृतंच रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। ये वैदिक मंत्र के द्वारा सूर्य की उपासना करें और प्रातःकाल का समय हो तो उससे ऊर्जा भी प्राप्त होगी, क्योंकि भगवान सूर्य एक पिता का रूप होते हैं। संसार में जिस प्रकार से उनका पूरी सृष्टि में प्रभाव होता है, सबको दिखाई देते हैं, तो पिता तुल्य होकर के वे जिनकी राशि पर होते हैं उनकी रक्षा भी करते हैं और उनको श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। साथ ही जिनकी राशि में सूर्य थोड़ा नीच राशि में स्थित है या कोई कमज़ोर हैं, उनको त्वचा के रोग, इसके अलावा अन्य भी कोई फोड़ा फुंसी या उदर संबंधी विकार हो सकते हैं, उसको मजबूत करने के लिए हमें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना उचित है। तो भगवान सूर्य जिस प्रकार से कोई महान पुरुष एक समान रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान सूर्य का बताया है, उदेति सविता ताम्र ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदेति सविता ताम्र, भगवान सूर्य जब उदय होते हैं प्रातःकाल, तब वे लाल वर्ण उनका होता है पूर्व दिशा में, और उदेति सविता ताम्र ताम्र वास्तमेति च अस्तमेति च, अर्थात अस्त होते हुए भी जो दक्षिण दिशा में अस्ताचल की ओर सूर्य भगवान जाते हैं, अस्त होते हैं, तब भी उनका लाल वर्ण होता है। तो बताया है महान पुरुष सुख दुख में एक समान रहते हैं। और एक मंत्र भगवान सूर्य का एक बीज मंत्र भी होता है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः।